नमो बुद्धाय। मैं विक्रम, आपका स्वागत है अपना विहार अपनी आवाज में। आप भी हमारे साथ त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें। बुद्धं शरणं गच्छामि। जय भीम। पकड़िए पैर। मैंने पैर बोला और सबने अपना सर पकड़ा है। दर्शकों देखिए, अपना विहार अपनी आवाज। नमो बुद्धाय। जय भीम। दर्शकों, मैं विक्रम स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नए विहार में। और आज जो विहार हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उस विहार का नाम है महाबोधि बुद्ध विहार, जो आता है शुक्रवारी शिवाजी वार्ड भंडारा महाराष्ट्र में। इस वक्त मैं इसी विहार में मौजूद हूं और आज बड़ा ही प्यारा दिन है। आज छत्रपति शाहू महाराज, यानी कि राज ऋषि शाहू महाराज, इनकी आज जयंती है, जन्म दिवस है और पूरा विश्व इसे मना रहा है। और इसी अवसर पर आज अपना विहार अपनी आवाज़ इस विहार में, यानी कि महाबोधि विहार में आ पहुंचा है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना विहार अपनी आवाज़ का ये प्यारा सा सफ़र। दर्शकों, विहार में आने के बाद वक्त है त्रिशरण पंचशील ग्रहण करने का, तो देर नहीं करते, आइए आप भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण और पंचशील ग्रहण किया होगा और अब वक्त है विहार को और अधिक बेहतर तरीके से जानने का। तो आइए जानते हैं किस तरह विहार की स्थापना हुई, किस तरह ये कार्य कर रहा है और किस तरह का कार्य भविष्य में किया जाना बाकी है। माझं नाव आहे जुनाबाई मेंढे। यति जुनाचं अखाडा होता पहिलं, मग आम्ही महिला मंडळनं विचार केला, मीटिंग घेतली, त्यानंतर आम्ही हे विहार सुरू केलं। रोज सकाळी सायंकाळी वंदना होते, धार्मिक कार्यक्रम घेतले जातात, थोर पुरुषांच्या जयंत्या घेतल्या जातात, वर्षवास होतो आणि सर्व आम्ही एकजुटीने या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित असतो। सर्वांना मैत्रीपूर्ण जय भीम। माझं नाव सविता मधुकर मेंढे आहे। आता आम्हाला पुढचं पाऊल म्हणजे टाकायचे, आमच्या विहारामध्ये लायब्ररी खोलण्याचा प्रयत्न सुरू आहे आणि आम्ही तो प्रयत्न आमचा यशस्वी होईल।
दर्शकों, इस विहार में आपने देखा होगा कि रंगोली जो निकाली हुई है, बहुत ही प्यारी रंगोली निकाली हुई है। और इस रंगोली को, रंगोली से इस विहार को जिन्होंने सजाया, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। चैताली ताई मेश्राम इनका नाम है। आपको हमारे चैनल की तरफ से और अपना विहार अपनी आवाज़ की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। और आप इसी तरह अपने जीवन में भी इस तरह आपके रंग भरते जाएं, इस तरह के हम आपको मंगल कामनाएं देते हैं। जय भीम। दर्शकों, ये विहार में एक खास बात है जो हम आपको बताना जरूरी समझते हैं। इस विहार में विश्व रत्न परम पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब, जी हाँ, हमारे बाबा साहब की अस्थियाँ यहाँ पर है, आप देख सकते हैं इस वक्त। और ये अस्थियाँ यहीं के संपत राव गजघाटे करके उपासक थे, जो आज दुर्भाग्यवश हमारे साथ में नहीं है, लेकिन उन्होंने उस समय कुछ उपासकों के साथ, जब बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ था, तब वहाँ से अस्थियाँ लाए थे। और ये सौगात, ये धरोहर के रूप में जो हमारे पास थी, यानी उनके घर पर थी, उन्होंने इस विहार को दान किया है। और अब ये इस विहार की शोभा बढ़ा रहा है और इस विहार को और अधिक पवित्र बना रहा है। दर्शकों, अपना विहार अपनी आवाज़ में वक्त है इस वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार आपके लिए बहुत कुछ बाकी है, तो कहीं जाइए मत, बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे अपना विहार अपनी आवाज़। सर बोला सबने। दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका और अब वक्त है बोध कथा सुनने का। तो आप तैयार हैं? हम भी तैयार हैं आपको सुनाने के लिए आज की ये प्यारी सी बोध कथा। आज की बोध कथा हमने आम जिंदगी से ली है। एक व्यक्ति जिसके पास बढ़िया सा मकान होता है, सारी सुख सुविधाएं होती है, बावजूद उसके वो काफी परेशान होता है, उसे वो घर पसंद नहीं आता। वो सोचता है कि मैं कहीं और जाकर रहूं तो शायद बेहतर है। ये सोचकर वो अपने मित्र को बुलाता है जो कि प्रॉपर्टी का काम करता है। वो कहता है कि भाई एक काम कीजिए, बोले यार मेरा ये मकान जो है इसे बिकवा दो, बोले मैं शहर आकर रहना चाहता हूँ। तो उसका मित्र कहता है कि इतना बढ़िया मकान है, इतना अच्छा सब है, ये छोड़कर क्यों जाना चाहते हो? बोले सब यहाँ पे आसपास में इतने पेड़ हैं, उसके सब पत्ते जब सूख जाते हैं तो सब घरों में आते हैं, इतनी तेज़ हवाएं चलती है, ये पहाड़ है यहाँ पर, ये भी जब यहाँ पे बर्फ़ जमा होती है तो तकलीफ होती है, ठंड बढ़ जाती है, ये सब मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, बोले। तो उसका मित्र मुस्कुरा जाता है और बस इतना कहकर चला जाता है कि ठीक है, बोले तुम जैसा कह रहे हो मैं वैसा करता हूँ। दूसरे दिन ये व्यक्ति जब अखबार पढ़ रहा होता है, उस अखबार में एक घर का विज्ञापन इसे नज़र आता है, जिसमें लिखा होता है कि एक शानदार घर के मालिक बनिए, जहाँ पर रोज़ ताज़ी हवाएं आपको मिलेगी, पहाड़ों की सौंधी सौंधी मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आपको मिलेगी, पहाड़ों का नज़ारा मिलेगा और नदी भी मिलेगी। वो व्यक्ति सोचता है कि जिस तरह का घर मैं चाहता था हूँ ये तो वही है। वो तुरंत उस नंबर पर कॉल करता है। जब कॉल करता है तो उससे आश्चर्य होता है कि ये वही घर था जिस घर में इतने सालों से वह व्यक्ति रह रहा था। और उसे पता चलता है कि जिस तरह का घर मैं चाहता था उसी तरह के घर में तो मैं रह रहा हूं, फिर कमी क्या है? और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। दर्शकों, हमारे साथ भी कुछ इसी तरह का होता है। होता यह है कि हम सिर्फ अपनी ही नज़र से अपनी ज़िंदगी को देखते हैं और हमें लगता है कि नहीं, मेरी ये नौकरी सही नहीं है, या फिर मैं जो काम कर रहा हूँ ये सही नहीं है, मेरी ज़िंदगी में मुश्किलें हैं। लेकिन अगर हम दूसरों की सोच के साथ अपने आप को देखें तो पता चलेगा कि हम कई और लोगों से बेहतर हैं, उन लोगों से ज़िंदगी हमारी कई गुना बेहतर है जिन लोगों को हम सोचते हैं कि इनकी ज़िंदगी बेहतर है। लेकिन अगर हम उनकी नज़र से देखें तो पता चलेगा कि हमारी ज़िंदगी जो इस वक्त हम जी रहे हैं वो कितनी बेहतर है। तो बस सकारात्मक सोच बनाए रखें, यही मंगल कामना है। तो दर्शकों, ये थी आज की बोध कथा। उम्मीद करते हैं ये बोध कथा आपको ज़रूर ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर आपके पास भी इस तरह की कोई प्यारी सी बोध कथा है तो अपने पास सीमित ना रखें, ये WhatsApp नंबर है, इस पर हमें भेजें। और ये WhatsApp ही करें, कृपया कॉल ना करें। कई दर्शक बड़े प्यार से सिर्फ कॉल कर ये पूछते हैं कि ये नंबर विक्रम जी का है क्या, आवाज़ इंडिया टीवी का है क्या? तो जी हाँ, ये सभी है,
लेकिन उसके लिए सिर्फ ये पूछने के लिए कॉल न करें, आपका समय भी व्यर्थ होगा और हमारा भी। तो सबसे बढ़िया है कि आप व्हाट्सएप के जरिए भेजें, लेकिन जब भेजें तो अपना नाम पता लिख कर भेजें। दर्शकों, एक बार फिर से मैं विक्रम स्वागत करता हूँ आपका इस गेम में। ये वही गेम है जिसका रहता आपको इंतज़ार, जिससे आपको है प्यार और जो आपको सबको लगता है अपना, और जिस गेम का नाम है भीम का दीवाना। जी हाँ, भीम का दीवाना। शुरू करने से पहले इस गेम के रूल्स, इन सबको मेरी तरफ देखकर जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम कहते रहना है। इस बीच इनसे मैं हाथ पैर नाक कान सर, इसमें से कोई भी एक पार्ट को छूने के लिए कहूँगा। इन्हें खुद के उस पार्ट को दोनों हाथों से छूकर दिखाना है। जो सबसे पहले करके दिखाएगा वो हमारा विनर होगा। तो आइए, इसके पहले कि हम गेम शुरू करें, हमेशा की तरह एक ट्रायल ले लेते हैं, देख लेते हैं कि सब कुछ सही है या नहीं। सर को हाथ लगाएं, नीचे। दर्शकों, मैंने सबको सर को हाथ लगाने के लिए कहा, लगभग सभी ने किया था, एक दो ने कान को हाथ लगा लिए थे। खैर कोई बात नहीं, तो लगभग सब कुछ ठीक ही ठीक है। तो दर्शकों, आइए शुरू करते वही गेम जिस गेम का नाम है भीम का। आपका समय शुरू होता है अब। पकड़िए सर। सर बोला और सबने सर किधर है, इधर है सर, किधर है आपका, फिर इधर क्यों झुके आप? है तो दर्शकों, ये वही हुआ है जो होता आया, होता रहेगा, और ये सिलसिला चलता है, चलता रहा है और चलता रहेगा। बाबा साहब है ही ऐसे, जो भी उनका नाम लेता है वो उन्हीं का हो जाता है, उन्हीं में हो जाता है। जब हम जय भीम कहते हैं, यकीन मानिए हम उसमें इतना खो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता हमारे हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है और सर कहाँ है। तो दर्शकों, आज भी कोई विनर नहीं है और ये सिलसिला चलता ही रहेगा। और मैं कहता था, कहता हूँ और कहता रहूँगा कि हाँ, मैं हूँ भीम का दीवाना और ये सारे बन गए भीम के दीवाने। दर्शकों, वक्त है सामूहिक शपथ लेने का। बाबा साहब के आदेशानुसार हर बुद्धिस्ट व्यक्ति को सहपरिवार हर रविवार को विहार में जाना ही चाहिए, ये उसका कर्तव्य बनता है। बाबा साहब ने हम सबको ऐसा आदेश देकर कहा है और इसी आदेश का पालन करने, इसी कर्तव्य की पूर्ति करने के लिए हम लेते हैं शपथ। तो आपसे भी विनती है कि आप भी हमारे साथ मिलकर ये शपथ जरूर जरूर लें। हम बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी, हम सभी बौद्ध जन मिलकर ये शपथ लेते हैं, हम सहपरिवार हर रविवार और छुट्टी के दिन परिसर के विहार में जाएंगे, वहाँ वंदना करेंगे, यथाशक्ति धर्मदान करेंगे, साथ ही एक दूसरे के सुख और दुख में मिलकर शामिल होंगे। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से हम सब मिलकर ये शपथ ग्रहण करते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपने भी हमारे साथ मिलकर न सिर्फ ये शपथ ली होगी, बल्कि शपथ का पालन भी आप हमारे साथ मिलकर करेंगे। साथ ही साथ इसके लिए औरों को प्रेरित और जागृत जरूर जरूर करेंगे। दर्शकों, इस वक्त अपना विहार अपनी आवाज़ में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आज का सुविचार। किसी भी बात की चिंता करने से वो हल नहीं होती, लेकिन उसके हल के बारे में चिंतन करने से वो जरूर हल होती है। तो बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे
अपना विहार अपनी आवाज। दर्शकों ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका आप ही के मनपसंद कार्यक्रम अपना बिहार अपनी आवाज में। वक्त है इस वक्त सबके साथ मिलकर गाने का, गुनगुनाने का, तो आओ मिलकर गाएं। माझा भीमाचा नावाच हो, माझा भीमाचा नावाच कुंकू लावील रमान, 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 माझा भीमाचा नावाच हो, माझा भीमाचा नावाच कुंकू लावील रमान, कुंकू लावील रमान, कुंकू लावील रमान, दर्शकों जैसे कि आपने देखा अभी दो हफ्तों से दो एपिसोड से हम एक गेम शुरू कर चुके हैं बच्चों के लिए, तो आइए दर्शकों हम बच्चों के साथ एक गेम खेल लेते हैं। ये गेम बहुत आसान है, ये बच्चों को एकाग्रता सिखाएगा, करना कुछ नहीं है। ये ऐसे हाथ है, इस हाथ को लेकर एक हाथ नाक को और एक हाथ कान को पकड़ता है कुछ इस तरह से, एक और फिर यही हाथ इस साइड से, और यही चीज इन्हें फटाफट करनी है। तो आइए अब हम देखते हैं, बच्चा लोग आप तैयार हैं? ओके, 1 2 स्टार्ट। आप तो बड़े कीजिए जल्दी जल्दी। ये क्या ऐसे तो करना है, ये ऐसे से क्या? ओके दर्शकों हम इन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं और हम बढ़ते हैं आगे। दर्शकों अपना विहार अपनी आवाज में वक्त हो गया है इस वक्त सवाल और जवाब का, तो आप तैयार हैं? ये सब भी तैयार है, देखते हैं तैयार है क्या आप? बोल तो रहे भाई, अब देखना है कितने तैयार हैं। दर्शकों आज हम इस विहार में जब शूट कर रहे हैं, आज बहुत ही खास दिन है। एक वो खास दिन ये है कि आज छत्रपति राजऋषि शाहू महाराज इनकी जयंती है, तो आज छत्रपति शाहू महाराज इनकी जयंती है, इसलिए सवाल भी हमारे इन्हीं पर बेस्ड है। छत्रपति शाहू महाराज इनका जन्म 26 जून को तो हुआ ये पता है, पर कौन से वर्ष में हुआ है कौन बता सकता है? सिर्फ हाथ ऊपर करें, सिर्फ एक हाथ ऊपर हुआ है, सिर्फ एक हाथ ऊपर हुआ है। दर्शकों आ जाए, आप स्कूल में पढ़ाते हैं? नहीं। क्या करते हैं आप? समाजकारी। अरे वाह वाह क्या बात है, अच्छी बात है। आपका परिचय? संगमित्रा सुखदेवे। अच्छा बताए कौन से वर्ष में इनका जन्म हुआ? 26 आज 1874 1874 इनका कहना है 1874 26 जून। बिल्कुल सही जवाब है, जोरदार तालियां। मेरी आदत है मैं ऐसे सताता हूँ, उसके लिए सॉरी, लेकिन मजा लेता हूँ। मैं देखता हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस कितना है। बिल्कुल सही जवाब है, 26 जून 1874 को उनका जन्म हुआ था। मेरा दूसरा सवाल ये है, छत्रपति शाहू महाराज इन्हें राजऋषि का बहुमान मिला था, ये कौन से वर्ष में मिला था? कौन से वर्ष में राजऋषि ये सम्मान उन्हें प्रदान किया गया, वो वर्ष कौन बता सकता है? कोई भी नहीं है, मैं ही बता दूं, 1919 में 21 अप्रैल को ये सम्मान उन्हें प्रदान किया गया था। आप मेरे लिए तालियां बजा सकते हैं। अब एक सवाल आपके विहार से संबंधित, आपके विहार में कुल कितनी जगह पर अशोक चक्र नजर आता है? अब मत गिनिए, सिर्फ हाथ ऊपर कीजिए, बाद में कोई भी करेगा तो नहीं करूंगा। साहब आप आ जाए आगे। जय भीम।
आपका परिचय दें। मैं विनोद रामटेके। बताए कितनी जगह पर नजर आता है? 7 जगह पर नजर आता है। बताए 7 जगह कौन सी? 2 ये गेट पे है, एक ऊपर है, पीछे में 2 गेट पे है, एक बुद्ध के पीछे में है और एक टाइल्स में है। बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियां। बिल्कुल सही जवाब, बहुत कम जगह पे ये जवाब आता है। एक जगह पर एक विहार में हमने देखा था लगभग 22 अशोक चक्र थे और सिर्फ एक ही उपासिका ने बताया था कि पूरे 22 है करके, क्योंकि वो कार्यक्रम नियमित तौर पर देखते, उन्हें पता था कि मैं क्या पूछने वाला हूँ। खैर, तो दर्शकों आप भी आपके विहार को अच्छी तरह जान ले, क्योंकि हम आपके विहार में भी जल्द आने वाले हैं, जब आप बुलाएंगे तभी आएंगे। हाँ, तो अभी सवाल जवाब यहीं समाप्त होते हैं, बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, आवाज़ इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर आप जो हमें सहयोग दे रहे हैं उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, आपको साधुवाद। और ये प्यार और ये आशीर्वाद इसी तरह बरकरार रखें और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में चैनल को देखें, सभी को प्रेरित करें और विज्ञापन देकर इसे आर्थिक रूप से मजबूत बनाएं। चाहे फिर शादी की सालगिरह हो, बच्चों का जन्मदिवस हो, स्मृति दिन हो या अन्य किसी भी प्रकार के प्रसंग का विज्ञापन या फिर अपने प्रतिष्ठान का ही क्यों ना हो। इस विहार में भी कई उपासक उपासिकाओं ने आवाज़ इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर इसे मजबूत बनाने में अपना सहयोग दिया है, अपना योगदान दिया है, अपनी भूमिका को निभाया है। आइए देखते हैं कौन कौन वो उपासक उपासिकाएं जिन्होंने आवाज़ इंडिया टीवी को एक विज्ञापन के माध्यम से सहयोग दिया है और अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इसे बखूबी निभाया है। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देखकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, अब आपकी बारी है। आवाज इंडिया टीवी ला ऐड देऊन आम्ही आमची जबाबदारी पूर्ण केली, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, अभी आपकी बारी है। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, अब आपकी बारी है। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, अब आप भी निभाइए। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई है, अब आपकी बारी है। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने हमारी जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी है। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, अभी आपको निभाना है। आवाज इंडिया को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई है, अब आपकी बारी है। आवाज इंडिया टीवी ला जाहिरात देऊन आम्ही आमचे कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। तो दर्शकों, ऐसा था महाबोधि बुद्ध विहार जो आता है शुक्रवारी शिवाजी वार्ड भंडारा महाराष्ट्र में। उम्मीद करते हैं ये विहार आपको ज़रूर पसंद आया होगा और अगर आपके पास भी कोई इस तरह का विहार है तो बिल्कुल देर ना करें, जल्द से जल्द इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें संपूर्ण जानकारी भेजें। साथ ही साथ अगर आपके पास अच्छी बोध कथा, अच्छे विचार, अच्छे सुझाव, अच्छे गेम हैं वो भी इसी व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेजें, लेकिन जब भेजें तो अपना नाम और पता सब कुछ लिखकर भेजें। आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर बता दूं कि सारे विहार मौजूद हैं YouTube पर। जी हाँ, YouTube पर टाइप करें अपना विहार अपनी आवाज़ और सारे विहार आपको नज़र आ जाएंगे। तो आज के लिए मुझे विक्रम को दीजिए इजाज़त, कैमरा पर्सन सुमित जी के साथ।
फिर मिलेंगे नए बिहार में नई जगह पर। और एक बार फिर से छत्रपति शाहू महाराज जी इनकी जयंती के लिए आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं सभी को। तो बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे अपना बिहार अपनी आवाज़। मुहा मुड़े तृष्णे मुड़े दुखाची हो या निर्मिति मुहा मुड़े तृष्णे मुड़े दुखाची हो या निर्मिति अनेक दुख वेदना कुकर्माची परिमिति कुकर्माची परिमिति विसराव्या साऱ्या सवा ठेवावे दूर वैरवा विसराव्या साऱ्या सवा ठेवावे दूर वैरवा मी सांगते म्हणून नव्हे तुम्ही स्वतः अनुभवा मी सांगते